स्तूपद की तरह। चलो दवाई लो। सुनीति, इतनी मोटी तो हो गई तुम। फिर आप फ्रैंक देख तो बोलेगा मोती आंटी मोती आंटी, अच्छा लगेगा मेरे को। मैं मोटी नहीं हूँ, प्रेग्नेंट हूँ। क्या हो? प्रेग्नेंट। इंग्लिश में मोटे को प्रेग्नेंट कहते हैं। नहीं, प्रेग्नेंट का मतलब होता है मेरे पेट में एक बच्चा है। हाँ। आपका भतीजा। झूठ दिखाओ। धीरज भैया आप भी बस। चलिए दवाई खाइए। सुनीति, मुझको कब बच्चा होगा? जब आप क्या है? मैं क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं दे पाता घर पे। मैं सो इंटेलिजेंट। हाय। हाय। कैसा रहा आज का दिन? एकदम नॉर्मल, अनइवेंटफुल। क्यों? तुम जो नहीं थी वहाँ पे। वहाँ ऑफिस में बैठकर बीवी को याद करोगे तो काम क्या खाक करोगे? अरे कौन कमबख्त ऑफिस काम करने के लिए जाता है? ऑफिस तो मैं सिर्फ इसलिए जाता हूँ ताकि तुम्हारी दूरी का एहसास भी थोड़ा हो सके, ताकि जब मैं शाम को लौट के आऊँ तो तुम्हारी वैल्यू थोड़ी सी और अप्रिशिएट हो जाए। कहाँ से चुराई है लाइन? मेरी अपनी लाइफ। अच्छा, एक बात पूछूँ? पूछो। आजकल आप रोमांस की क्लासेस ले रहे हैं क्या? तुमसे किसने कहा? आपकी आंखों में। और ये मैं जानती हूँ कि अगर मैं आपसे ये पूछूं कि किससे, तो आप कहेंगे मुझसे। क्या बात कर रही हो? अच्छा, ऐसी बात क्या करूं? ईशान कोई आ जाएगा? अरे कोई नहीं, एक छोटी ईशान नहीं, छोटी सी। अरे ये क्या बात है? दिस चीटिंग मामला। ईशान नहीं। अरे जाओ ना, ये देखो। ओ माँ बो चाय बनाओ। अरे अरे ईशान ईशान, तुम कहाँ भाग रहे हो? मैं तो तुम्हारे लिए आई हूँ। ये देखो, तुम्हारे डैडी ने तुम्हारे हनीमून के लिए मॉरिशस में बुकिंग की है। ये एयर टिकट्स। मामा इसी का जरूरत है। अरे जरूरत है भाई। बेटा यही तो दिन होते हैं कि पति पत्नी एक दूसरे को जाने, एक दूसरे को समझे, है ना? हाँ। मामा लेकिन इन हालात में जब प्रिया के साथ। देखो बेटा, तुम्हारे डैडी जितने जल्दी गुस्सा हो जाते हैं ना, उतनी जल्दी शांत हो जाते हैं। और रही प्रिया की बात, वो भी घर वापस लौटेगी। ये लो टिकट्स और छुट्टियां एंजॉय करो। थैंक यू मामा। ईशान, अगर आपको लगता है कि हमें हनीमून के लिए नहीं जाना चाहिए तो हम नहीं जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ किचन से ही काम करेंगे। क्या बात? क्या कर रहे हो नीरज? क्या कर रहे हो? हाँ? टांग टांग तलांग। ये क्या है? मैं प्रेग्नेंट हूँ। मेरा पेट में एक बेबी है, छोटा सा। बुरा भाग निकलेगा, छिटू को मम्मी मम्मी बोलेगा। आदमियों के साथ थोड़ी ऐसा होता है नीरज, औरतों के साथ होता है। काजल, तुम कब मम्मी बनोगी? यस यस मिस्टर खुराना, आई एम यस यस आई आल्सो हैव मेड कॉल्स। यस आई हैव इंस्ट्रक्टेड मिस्टर गैरी टू टेक केयर ऑफ इट। या हाँ, यस यस आई विल टेक केयर ऑफ इट। यस इमीडिएटली। या डैड, आपने मुझे बुलाया? हाँ, हमारी कंपनी के अफ्रीका वाले ऑपरेशंस में प्रॉब्लम्स हैं। प्रॉब्लम्स? हाँ, सीरियस प्रॉब्लम्स। यू कैन कॉल इट एन इमरजेंसी। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? जी डैड, सुना। तो कुछ बोलते क्यों नहीं? डोंट यू अंडरस्टैंड? हम में से किसी एक का वहां होना बहुत जरूरी है। डैड, जहां तक मेरा सवाल है, वहां के ऑपरेशंस के बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं है। सुधीर, मालूमात कर तो सकते हो ना? डैड, वहां का बिजनेस ईशान संभालता है, उसे वहां के ऑपरेशंस के बारे में सब कुछ मालूम है। मैं जाके क्या करूंगा? क्या 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 मतलब क्या है तुम्हारा? हाँ, मैं उसे कहूँ जाने के लिए, जबकि तुम्हें पता है कल वो हनीमून पर जा रहा है। क्या चाहते क्या हो तुम? डैड, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। डैड, अगर मैं चला भी जाऊंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा? नहीं नहीं बेटे, तुम नहीं जाओगे। डैड, आपको मालूम है कि साउथ अफ्रीकन ऑपरेशन के लिए आपको मुझसे अच्छा एक्सपर्ट नहीं मिलेगा, और ये बात मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। हाँ, वो बात तो सही है बेटे, लेकिन कल तुम हनीमून पे जा रहे हो। डैड, हनीमून पे मैं फिर कभी चला जाऊंगा। अच्छा, आप ये बताइए कि मैटर कितना सीरियस है? बहुत। डैड, अगर इस पल हमने इसे संभाल लिया तो आने वाला कल हमें संभाल लेगा। बेटे लेकिन बहू, भावना को मैं संभाल लूंगा डैड, लेकिन जब मैं लौट के आऊंगा तो मुझे पूरी 1 महीने की छुट्टी चाहिए। 2 महीने के लिए ना? पूरा काम सुधीर भी ऐसा मानेगा। डन, थैंक्स। थैंक्स बेटा। कम ऑन डैड, आ जाओ। काजल, किस उधेड़बुन में खोई हुई हो? सुनीति, जब तक मुझे ये पता नहीं चल जाता कि नीरज की इस हालत का जिम्मेदार कौन है, मैं ऐसे ही रहूंगी। चैन नहीं आता मुझे। तुम भगवान जी से पूछ क्यों नहीं लेती? कैसे पूछूं भगवान जी से? भगवान जी पूना में हैं। हम चलते हैं पूना। हम कैसे जाएंगे सुनीति? घर वालों से क्या कहेंगे? उन्हें पता चल गया तो मुश्किल हो जाएगी। घर वालों को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए इस बात की। यही तो प्रॉब्लम है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और हमें सच सिर्फ भगवान जी बता सकते हैं। सुनीति, तुम्हारी मम्मी भी तो पूना में है ना? तुम मम्मी जी से क्यों नहीं कहती कि तुम्हें अपनी मम्मी से मिलना है? अकेले वो तुम्हें जाने देंगे नहीं, सुधीर तुम्हें छोड़ने जाएगा नहीं। मैं मम्मी जी से कहूंगी कि मैं ही तुम्हें वहां ले जाती हूँ, मैं ही वापस ले आऊंगी। इस बहाने से हम पूना जा सकते हैं। मैं भगवान जी से मिलकर सब कुछ जान सकती हूँ। मैं कल सुबह मम्मी जी से ये बात कहती हूँ, जब तुम हमारे आसपास हो। हम कल दोपहर को ही निकल जाएंगे। बस एक बार मैं भगवान जी से मिल लूँ, सब कुछ सच सच पता चल जाएगा मुझे। अब तो खुश हो ना? इस घर में खुशी किश्तों में मिलती है, एक साथ थोड़ी मिलती है। लेकिन हाँ, ये सोचकर खुश हूँ कि सच की तह तक तो पहुंच पाएंगे हम। क्या बात है, आज जू बीच आने का प्लान कैसे बना लिया? तुम तो शादी के पहले हमेशा कहती थी तुम जू बीच चलो, जू बीच चलो, जैसे आप कभी मुझे लाए थे। अब ले आए शान, मुझे दाल में कुछ काला लग रहा है। जब पति पत्नी को पैम्पर करने लगता है ना, तो उसके पीछे जरूर कोई वजह होती है। तो जासूसी करना बंद करो, चलो चल के पानी पूरी खाते हैं। ईशान, कम टू द पॉइंट, बताइए ना क्या बात है? भावना, तुम्हें मालूम है ना कि हमारे साउथ अफ्रीका में कोई कुछ ऑपरेशन, उनके नेटिग्रिटीज मेरा रवार कोई नहीं समझता, डैड भी नहीं और सुधीर भैया भी नहीं। अनफॉर्चुनेटली द कंपनी इज इन अ क्राइसिस। इसका मतलब आपको वहाँ जाना पड़ेगा। हमारा हनीमून प्लान कैंसिल। आई एम रियली वेरी सॉरी, आई नो यू मस्ट बी अपसेट। तुम्हें बुरा लग रहा है ना? हाँ, मुझे बुरा लग रहा है, पर जिस ढंग से आप सॉरी कह रहे हैं, तुम पे बड़ा प्यार आ रहा है। I'm really sorry। हनीमून तो हम कभी भी कर सकते हैं, पहले काम। Wise thinking मुझसे बहुत मिलती है। Well, इसलिए तो मैंने आपसे शादी की है। क्या बात है? इसी बात पे पानी पूरी खा। चले। चले। मम्मी जी। हाँ बोलो। मम्मी जी वो क्या बात है बोलो। माँ की बहुत याद आ रही थी। आप इजाजत दें तो मैं उनसे मिलके आऊँ? अरे बहू इस हालत में तुम घर के बाहर थोड़ी जाओगी। मम्मी जी लेकिन उनको देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। लेकिन बहू तुम एक दिन की तो बात है। लेकिन तुम्हें लेकर कौन जाएगा? सुधीर तो नहीं मानेगा। काजल मैंने उससे बात की है। बस आप इजाजत दें तो मैं होके आ जाऊँ। अच्छा ठीक है लेकिन उसी रात वापस चली आना। थैंक यू मामी जी। सुनीति प्लीज इसे भी पैक कर दो ना। ओके। हम लेट तो नहीं हो रहे ना? नहीं 3:30 बजे की बस है। अच्छा मैं देखती हूँ। हेलो क्या मैं मिसेज काजल खन्ना से बात कर सकता हूँ? बोल रही हूँ। जी मैं पूना पुलिस स्टेशन से इंस्पेक्टर दामले बोल रहा हूँ। जी बोलिए। एक्चुअली पूना मुंबई हाईवे पे भवन जी का एक्सीडेंट हो गया। डॉक्टर साहब अब कैसी है भवान जी की तबीयत? उनकी तबीयत बहुत ही नाजुक है। 24 घंटे से पहले कुछ भी कहा नहीं जा सकता। आप में से काजल कौन है? मैं हूँ काजल खन्ना। आप मेरे साथ आइए। पेशेंट आपसे बात करना चाहता है। जी तुम्हारे घर वाले? कौन घर वाले बताइए भगवान जी? मम्मी डैडी सुधीर ईशान बोलिए भगवान जी बताइए ना प्लीज। वसीयत। डॉक्टर नर्स डॉक्टर ले लिया।